पथरी अगर है शरीर में और थायराइड, थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता, है ना, धनिया पत्ता, इसकी चटनी, धनिया पत्ते की चटनी बनाइए, पानी में मिला के पी जाइए, पानी गुनगुना रहे। कितनी चटनी? एक चम्मच चटनी, उसमें कुछ डालिए मत, नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चटनी। और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये हरे पत्ते की चटनी, धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया। ये धनिया जो है ना थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। पथरी, पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख, कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको, पाखंड भेद, शोभाकांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड भेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है, और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। पाखंड भेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए, तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंद है, चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, एक महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड भेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। पानी में चूना मिला के पी सकते हैं, जरूर पीजिए, पथरी वाले नहीं। दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग, लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर दीजिए। हां, अभी एक जरूरी प्रश्न आया, शराब और गुटखा छोड़ने के लिए क्या करें? जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत लोगों के काम। शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, ये 5 बुराइयां व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश किया है। इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति से बचें तो अच्छा है। भागवत जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ति के साथ आइए तो अच्छा है। नहीं है संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें। तो क्या दवाएं हैं आपके पास? सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र, अर्क नहीं, शुद्ध गाय का मूत्र। दूसरी दवा आपके घर में है अदरक या सौंठ। जिनको शराब से छुड़ाना है, बाहर निकालना है, उनको एक और सौंठ ज्यादा खिलवाइए, रस पिलवाइए अदरक का, सौंठ का काढ़ा बना के दीजिए, गुड़ मिला के दे सकते हैं सौंठ का काढ़ा बना के। और गोमूत्र पीने को बोलिए, नियमित रूप से अगर आधा कप भी गोमूत्र पिया तो सवा महीने में शराब छूट जाती है। शराब जो पीते हैं, बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है, उसका नाम है सल्फर। और सल्फर को कम करने के लिए सल्फर ही चाहिए। आयुर्वेद में कहा है ना कि विष को विष मारता है, तो सल्फर बढ़ता है, तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए, और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है, आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका, कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है। दूसरी, शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक, उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है, वात का तो करता ही है, कफ का भी करता, तो चूना दे सकते हैं। गाय का घी नाक में डाल सकते हैं। हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए। पित्त बढ़ा है तो क्या करें? देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त को शांत करेगा। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है, अजवाइन और काला नमक, यह भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको। एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले। कोई एक महिला है, उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, ये मुझे शाम को मिले 4 बजे। बाल उड़ गए तो क्या करें? बाल कम हो गए तो क्या करें? बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए, तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शीकाकाई से धोएं, हफ्ते में 1 दिन जरूर करें।
त्रिफला शहद और गुड़ के साथ सबसे अच्छा है, गुड़ के साथ सुबह खाएं, और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधि के रूप में लेना है, औषधि ऐसी जो धातु वर्धक है, तो सुबह ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, माने पेट साफ करे, तो रात को ही खाएं सोने के पहले। बहुत ज्यादा छींके आती हैं, नाक से पानी गिरता है, थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डालें, 15-20 दिन में छींके भी बंद होंगी, पानी गिरना भी बंद। केवड़ा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में? केवड़ा एक होता है ना आयुर्वेदिक औषधि है, केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में, मार्च अप्रैल मई जून, बारिश जैसे ही शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीजिए। केवड़ा और एक होता है खस, ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में। अर्जुन की छाल लेने का समय सवेरे का, काढ़ा बनाकर दूध में नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं उसमें, गुड़ मिलाएं अर्जुन की छाल। टॉन्सिलाइटिस की रेमेडी, टॉन्सिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी, हल्दी का दूध बच्चों को रात को पिलाएं, टॉन्सिल नहीं होगा। पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूछा है, आप शाम को 4 बजे मिले, मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है क्षारीय चीजें ज्यादा खाएं, एसिड निकल जाए। सबसे अच्छी क्षारीय चीज गोमूत्र पी लें, यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता है गोमूत्र, लेकिन प्योर गोमूत्र। उड़द की दाल दालों का राजा है, बिल्कुल सही है, लेकिन दही के साथ नहीं। खाली उड़द की दाल खाइए, दालों का राजा है, बिल्कुल सही बात है, दही के साथ नहीं, दही के साथ ये जहर है। सुबह दूध पी सकते हैं, मैंने मना किया है, सुबह जूस पीना है, दोपहर को छाछ और रात को दूध, लेकिन पीना ही है अगर तो आंवले के साथ पिए, ना पिए तो अच्छा, सुबह का दूध ही पीना है तो आंवले के साथ। मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजिए, आप लिख लीजिए इसको, नहीं तो याद कर लीजिए। जिनको भी मोटापा कम करना है उनको क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है, तो मैंने आपसे कहा गाजर खाइए, गाजर नहीं खा सकते दूध ही खाइए। अब खाएं कैसे? गाजर को कद्दूकस में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे। फिर थोड़ी एक और क्षारीय चीज आपको आजकल उपलब्ध है, सेब, सेब पूरा क्षारीय होता है, तो सेब को कद्दूकस में घिसिए, दोनों बराबर मात्रा में मिला के सुबह पेट भर के खा लीजिए, 3 महीने लगातार खाइए। फिर अगले 3 महीने इसको बैलेंस करने के लिए आंवला खा लीजिए, आंवला 2-3 आंवला रोज मुरब्बे के रूप में, या कहें फिर 3 महीने आंवला हुआ, फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाइए, तो साल भर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से 1/3 वजन तो आपका घट ही जाएगा, हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए। ह्यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा, मैंने पहले ही बताया अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोमूत्र उससे हमेशा बेहतर है। बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में, इसके लिए क्या करना? खजूर खिलाइए, खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को, खजूर दूध में डालकर, छोटे छोटे टुकड़े दूध में डालकर उबालिए, खूब उबल जाए, फिर वो दूध पिलाइए, खजूर खिलाइए, तो रात का बिस्तर का पेशाब उनका बंद हो जाए। वो एक प्रश्न है, वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें? रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिला के रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता, नहीं तो त्रिफला भी ले सकते 3 महीने। देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का ब्रेक, के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए, फिर यह नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। पीठ की हड्डी में दर्द है, चूना खाइए। बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से, मैंने कहा ना, ऐसी चीजें दीजिए, कफनाशक है, सूंठ है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड़ है, ये सभी कफनाशक हैं। कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए, और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो जाने दीजिए उनका, 3-4 साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए। और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें, त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है।